ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਮਿਲਕੀ ਵਪਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਧੰਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਤਨ ਤੇ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਤੇ ਜੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਜੀਵੋ ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੀਵਣ ਵਾਲੇ। ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
जीवो खालसा जी। जीव नू जीवन मुक्त करके रख देने वाली जेकर कोई वस्तु है वह अमृत है। सुर नर मोन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया दान। ओ वस्तु की जाती जिहड़ी कोल होवे। कहो वाहिगुरू। अज तक दुनिया का कोई पैगंबर अपने मरीद नू अपने सिख नू अपने सेवक नू कलगी धर तो बिना अमर की दात बख्शिश करके नहीं गया। ये दात सतगुरु गुरु कलगी धर पातशाह जी दे पास ही हर अमृत भगत भंडार है। गुर सतगुरु पासे राम राजे गुरु की संगत। ये अमृत जिसनों लभदे लभदे बड़े बड़े ऋषि मुनि चले गए। ये अमृत वर्गी अमोलक दात उन्हां नूं भी प्राप्त ना हुई। ये अमृत मिलता कितों है? सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया। ये अमृत सतगुरु पासों मिलता पर मिलता किन्हां नूं है? पाया अमृत गुर कृपा कीनी जिहदे ते सतगुरु पातशाह कृपा कर देण। ये अमृत वर्गी अमोलक दात उस नूं प्राप्त हो सकती है, दूजे नूं प्राप्त नहीं हो सकती। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। खालसा जी पहुँचो। खालसा जी लुधियाने की धरती। तख्तां ताजां दे मालक फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु कलगियां वाले पातशाह नीले दे शाह असवार सतगुरु पातशाह अज नीले ते असवार होके खालसे समेत तुरे जा रहे ने। जांदे जांदे सतगुरु गुरु कलगी धर पातशाह की नज़र एक बर्मी नां दे मुसलमान वहमी फकीर की कबर ते पई। जो जूंदे जी कबर पट के मौत तो डरदा मारा कबर विच लुक के बैठा होया सी। मौत का डर ही ऐसा है गुरु की संगत। मौत का नाम सुन सुन के बड़े बड़े खब्बी खाना दे रंग पीले पै जांदे ने। मौत का नाँ सुन सुन के लुक माण वर्गे पहाड़ां दियां घरां विच लुकदे फिरदे सन पर मौत ने वह भी ना बख्शे। अफलातू नाँ का बादशाह जुनान दे रहन वाला सी। कहिंदे ने कि जदों अफलातू नूं मौत लैण वास्ते आई ना अपनी योग विद्या दे बल नाल अफलातू अपने नाल दियां मिलदियां जुलदियां 40 मूर्तियां बना के ते उन्हां मूर्तियां दे विच लुक के बह गया। मौत पहचान ना सकी, मौत सियाण ना सकी असली अफलातू केड़ा ते नकली अफलातू केड़े हन। मौत परमेश्वर दे पास जा के रोई। परमेश्वर ने पुछया मौत नूं रोई क्यों? मौत ने कहना कीता हजूर आप जी मेरी ड्यूटी लाई ना अफलातू नूं लेके आओ। मैनू तो यही नहीं पता लगता असली फलातू केड़ा ते नकली फलातू केड़ा केड़े ने। उत्थे तां कई फलातू बने फिरदे ने। परमेश्वर मौत नूं कहिंदा, मौत नूं कहिंदा रोण दी की लोड़ है, रोण वाली किहड़ी गल है, इंज कर जाओ जाओ कुछ अफलातूआं दी निंदा करो, कुछ अफलातूआं दी उस्तत करो। वो जिहड़ियां फलातू दियां मूर्तियां ने ना जिन्हां विचों लुक के बैठा, कुछ मूर्तियां दी निंदा करो, कुछ दी उस्तत करो। जिहड़ा असली फलातू होवेगा अपने आप बोल पवेगा। बस कन्न तो वड़ के लै गया जी, गल इन्नी होगी है। माफ़ करना फलातू वर्गे जिहड़े मौत दियां अखां च घट्टा पाउण नूं समर्थ सन एक दिन वह भी मौत की बली चढ़ गए। अमृत छकना ही इस करके कि असी मौत तो बरी हो जाइए। कहो वाहिगुरू। मौत तो बरी हो जाइए। बरी ये फार्मूला एक माफ करन हर सवाल नूं हल करन दा कोई फार्मूला हुंदा, फार्मूला। पर आ जिहड़ा अमृत छकना ना ये देख लो एक फार्मूला मौत ते फतेह पाउण दा।
सात समय अर्ज कर रहे हैं गुरु की संगत। इधर मौत जो दूजी बारी अफलातू लैण वास्ते आई ना, मौत का एक दिन निश्चित है। फरीदा जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए, मलक दी कन्नी सुनी दा मूँह दिखाले आए। ऐसा भी दसना कीता है, साढ़े त्रैवण देहरी चला पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत असोनी बन। मलकल मौज आपसी सब दरवाजे भन, जिथे मर्जी लुक के बह जी, मौत ने सारे दरवाजे तोड़ के तेनू लै जाना, देख ला फिर लै जाना है। संत महारा राड़े वाले क्या करते सन, कहिंदे ने कि मरन लग्या ना नगुरे पुरश नू, जदू इहदे प्राण कढ़दे ने ना जमदूत, जदू इहदी जान कढ़दे ने, मर लग्या इहनू इन्ना दुख हुंदा जिवें किसे नू सौ बिच्छू कट्ठा ही डंग मार देवे। खालसा, सौ बिच्छू कट्ठा ही डस जावे। और ऐसा भी दस्या करदे सन, माफ करना जां सौ तलवार कट्ठी करके ना सौ तलवार का एकदम वार कर दिता जाए। हुण वार तो एक तलवार का बड़ा, जिते सौ तलवार का वार हो जाए प्रेमियों, फिर देख लो इहदी की दुर्दशा होगी। उदों जिवें कहिंदे हुंदे सी सौ तलवार का ना इकट्ठा जकदम वार कर दिता जाए। मरन समय मनमुख नगुरे साखत पुरश नूं इहदे नालों कहिंदे ने हजार गुणा ज़्यादा दुख होया करदा, हजार गुणा। पुछया जी भगत कबीर जी दे चरणां च किसे मौके आप जी दे श्रद्धालुआं ने बेनती करके, बाबा जी सुनिया कि जदों नगुरा पुरश मरन लगता है मनमुख की मौत हुंदी है, ओनू लैण वास्ते जमदूत आउंदे ने, कृपा करके दसो ना वह जमा की मार सुने कि बड़ी करड़ी है, बड़ी डाढ़ी है, जमा की मार किन्नी करड़ी है। उस मौके भगत जी ने यह श्लोक उचारण किया, कह लगे बल्ले बल्ले बल्ले। कबीर जी भी कन्ना हत्थ ला गए थी, कहो वाहगुरु, लगे कहण बल्ले 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 किन्नी करड़ी है। कहिंदे ने कबीर जम का ठेंगा बुरा है, असीं अपनी बोली च लाठी कह दिंदे। ये बाणी है, ये बाणी है, चौं युग में अमृत साची बाणी खालसा जी। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे जिहड़े फैसले ने ना वो अटल फैसले ने, इधर उधर नहीं होने। माफ करना साध संगत, उस मौके श्लोक उचारण किया, कबीर जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहया जाए। असीं अपनी बोली च लाठी कह दिंदे आ कबीर जी, जां हंटर कह दिंदे आ। कबीर जी ने उस इलाके की बोली विच ठेंगे शब्द की वरतों कर दी, यूं कीती है, यूं दसदे ने प्रेमियां। चली जानी ना जमा दी बुरी मार ओ मना, चली जानी ना, चली जानी ना जमा दी बुरी मार ओ मना, चली जानी ना, चली जानी ना।
ਘੁੰਮਣਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਅਗਲੀ ਤੁੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁੱਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਤਿੰਨ ਲੀਓ ਅੰਚਲ, ਅੰਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਤਿੰਨ ਲੀਓ ਅੰਚਲ ਲਾਏ, ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ।
खंडे धार, खंडे दी धार नालों तिखा, वाल नालों सूक्ष्म है। खंडे धार गली अत भीड़ी, माफ करना, खंडे दी धार नालों भी सूक्ष्म है। खंडे धार गली अत भीड़ी, लेखा लीजा तिल जूं पीड़ी, जिमें तिलां नूं कहानी च पीड़िया जांदा। कई लोग कहिंदे ने कि उह तों शरीर किवें लंघदा होऊगा, शरीर तां इत्थे सड़ जाणा। शरीर च दो चीज़ां ने, इक रूह है, दूजा शरीर है। रात नूं सुपना आउंदा, कहो वाहिगुरू। सुपने दे विच सप कट जांदा, शरीर नूं तां नहीं कटदा, बोलदे नहीं। कई वारी रोंदे हुंदे आ, ओह जिहड़ा अंदरला रोंदा हुंदा ना, रोंदा हुंदा होर है जिहड़ा रोंदा है। सप कट जांदा कि नहीं कट जांदा? कई वारी चोरी करदे फड़े जांदे आ, बोलदे नहीं। पुलिस वाले कुटदे ने, देख लो फिर रोंदा, देख लो फिर जद है तो जद अक्क खुलदी फिर पता लगता भी ओह जिहड़ा इहदे अंदर है ना, ओहनूं फिर फड़ के ना कन्न तू ओनू ले जाया जाऊगा। जिहदे बाबा जी मस्तुआने संत शब्द पढ़िया करते थे, बाबा तुसी महाराज, उन्होंने तू सीधिया धारना का कीर्तन चलिया जी, उन्होंने आकाशवाणी हुई सी सिमरन च बैठिया कि अतर सिंह कलयुग के लोग ओड़ा संगरू का इलाका थी ना, वो लोग सीधिया सीधिया बोलियां जी पाते होंगे। माफ करना साहब सिंह जी, तो आप जी आकाशवाणी हुई थी कि अतर सिंह ये लोग रागां च बाणी नहीं समझते, इन्हों बाणी के अर्थ कर करके ना वज दिया सुरां दे पढ़ पढ़ के सुनाओ, पढ़ पढ़ के सुनाओ। गुरु की तुम बिना लाउड स्पीकर तू पांच पांच मील आवाज आती थी, उन्हें पांच पांच मील, साढ़े सता 19 लाख बंदे उम्र छकाया उन्हें, साढ़े 19 लाख बंदे है साढ़े आके तो एक नहीं लगता। फिर बाबा जी शब्द पढ़ते होंगे भी लोगों को पता लगे, उत्थे गलियां सनींदियां पीड़ियां जिथों दी तैनू पैना लंघना, we'll be right back।
राष्ट्रपति पढ़ के वेखिए खालसा जी जै महा भैन दूत जम दला तक केवल नाम संग तेरा चल है। एक नाम ने तेरे उत्ते काम आना है। अयूरित बाणी दे विच फरमाउंदे ने खालसा जी जम मार्ग दा राह दस्या जै महा भैन तपत बहु काम जिते बहुत ज्यादा दर्शना की तक गरुड़ पुराण पढ़ के वेखो खालसा जी सुखमनी साहब की बाणी विच चार वेद 18 प्राण 27 स्मृतियां 6 शस्त्र दुनिया भर के वेदा शास्त्रां दा जोड़ा इस बाणी च। जे गरुड़ पुराण नूं पढ़ के दसी है उहदे कदी कदी गल खोल के दसी है ते गुरु साहब दसदे ने उस नरक लोक दे राह दा जिक्र कीता खालसा जी जदों खालसा जी इहनूं इहदे हत्थ पैर बन के खालसा जी जमदूत इहनूं सड़दे बलदे रेते दे उत्ते घसीड़दे तुरे लिजांदे ने पर गुरु जी फरमाउंदे ने जे तू नाम जपेगा उत्थे हरी दे नाम दीआं छावां जित तैनूं धुप लगणी उत्थे हरी दे नाम दीआं पढ़ के वेखिए खालसा जी जै महा भैन दूत जम दला तक केवल नाम संग तेरा चल है। एक नाम ने तेरे उत्ते काम आना है। अयूरित बाणी दे विच फरमाउंदे ने खालसा जी जम मार्ग दा राह दस्या जै महा भैन तपत बहु काम जिते बहुत ज्यादा दर्शना की तक गरुड़ पुराण पढ़ के वेखो खालसा जी सुखमनी साहब की बाणी विच चार वेद 18 प्राण 27 स्मृतियां 6 शस्त्र दुनिया भर के वेदा शास्त्रां दा जोड़ा इस बाणी च। जे गरुड़ पुराण नूं पढ़ के दसी है उहदे च कदी कदी गल खोल के दसी है ते गुरु साहिब दसदे ने उस नरक लोक दे राह दा जिक्र कीता खालसा जी जदों खालसा जी इहनूं इहदे हत्थ पैर बन के खालसा जी जमदूत इहनूं सड़दे बलदे रेते दे उत्ते घसीड़दे तुरे लिजांदे ने पर गुरु जी फरमाउंदे ने जे तू नाम जपेगा उत्थे हरी दे नाम दीआं छावां जित तैनूं धुप लगणी उत्थे हरी दे नाम दीआं खालसा जी
मौत तू डरदे अपना तू वर्गे जेड़े मौत दियां कट्टां च अखां विच माफ करना जेड़े मौत दियां अखां च कट्टा पाउण नूं समर्थ सन इक दिन मौत दी बलि चढ़ गया खालसा जी। मौत नूं परमेश्वर ने आख्या रोंदी क्यों है, जाओ कुछ अपलातुआं दी कुछ मूर्तियां दी निंदा करो कुछ दी उस्तत करो, जो असली अपलातू होवेगा बोल पवेगा। मौत दोबारा लेने वास्ते अपलातू नू आई है। रीता साडे ते मनते होरी चले पानी आयो बंदा सुनी साफर बन के आया पर अड्डे पक्के जमाड़ा ने डेरे पक्के लगाड़ा ने मेरे ख्याल की जान की तैयारी तो कोई नहीं कर रहा खालसा जी। कहो वाहगुरु, जिथे रहना नहीं उथे की तैयारी दिन रात ही हो रही, जिथे जाना जो कर छड़ गुवावना सो लगा मन जय कर जाए तू वतना हो तिसकी चिंता ना है। जिथे जाके वतना तेन उठकता फिक्री नहीं। आह माँ दूजी बारी प्रलातू नूं लैण वास्ते आई है। पहली मूर्ति नूं वेख के कहिंदी है तो प्रलातू दा मत्था ते बड़ा चंगा पर अखां छोटियां छोटियां ने चंगियां नहीं लगदियां चंगियां नहीं लगदियां। दूजी मूर्ति नूं वेख के कहिंदी है ऐस प्रलातू दियां अखां ते चंगियां ने पर नक बड़ा चौड़ा चंगा नहीं लगता भद्दा लगता। तीजी मूर्ति नूं वेख के कहिंदी है एदा नक चंगा है ते बुल बड़े चौड़े चौड़े ने परनाले अंगू बाहर नूं डिगदे ने चंगे नहीं लगते। अगली मूर्ति नूं वेख के कहिंदी इहदे बुल तां चंगे ने पर इहदे दंद बड़े बाहर नूं ने चंगे नहीं लगते। जिहड़ा असली फलातू सी बोल पिया मौत नूं कहिंदा तू कौण हुंदी है मेरियां मूर्तियां दी निंदा करन वाली। मौत लगी कण जद फड़ लिया कण तू कहिंदी मैनू तेरियां मूर्तियां तो कोई मतलब नहीं मैं तो तैनू ही लभदी ते जो उपजो सो बिन सो है परो आज के नानकार गुण गाए ले ओ छाड़ सगल गंगाल। जद मौत ने मारिया झपटा फलातू दे प्राण खिच लै आओ ना खालसा दी मौत तू डरदे मारे ए जात दा मुसलमान फकीर बर्मी नां दा मुसलमान फकीर वहमी फकीर जिउंदे जी कबर पट के ते कबर दे विच लुक के बैठा अज तक तां ताजां दे मालक फौजां दे जरनैल सतगुरु गुरु कलगियां वाले पातशाह सारा सरबंस वार के नीले ते असवार होके जा रहे ने। खालसा जी हजूर दी नजर पई है। कहो वाहगुरु, इस बर्मी नांद वहमी मुसलमान फकीर की नजर से गुरु जी की नजर पई है। अजूर लगे कण दया सिंह जी इंज करो जरा कबर च बंदा लुक के बैठा उन्हूं साडे कोल बुलाओ ये तक पिछला कर्म चंगा जागिया चंगे कर्मा तो बिना खालसा जी गुरु शरण प्राप्त हो ही नहीं सकती। कहो वाहिगुरु, जिदे कर्मा च अमृत लिखिया नहीं ला भावे बाजा भी ढोलकी भी एक पासे टूटे और कन्ना ना बंद हो कदी अमृत छाक ही नहीं सकता। ओदे कर्मा च नहीं लिखिया ओदे कर्मा विच लिखिया ही नहीं जद जद ओदे कर्म ही माड़े ने माड़े कर्म च साथ ही नहीं दिंदे। जब बंदे दे चंगे कर्म जागदे ने गुरु जी फरमांदे ने कर्म बंदे दे जदू जागदे संगत मिलदी पूरे गुरां चंगे कर्म बंदे दे जदू जागदे संगत मिलदी पूरे गुरां we
शरण प्राप्त होंगी, खालसा की गुरु शरण एवं नहीं प्राप्त हो जाती। माफ करना बंदना हर बंदना गुण गावो गो प्राप्ति नहीं हो सकती। खालसा दी मंदभागी पुरश पहली गल गुरु घर आउंदा ही नहीं, कहो वाहगुरु आ भी जाए बह ही नहीं सकता, बह भी जाए सुन ही नहीं सकता, सुन भी लै मन ही नहीं सकता, खालसा दी मन ही लै वो कर नहीं सकता। क्यों गुरु जी फरमाउंदे ने जिद के चित कठोर है ते बहन फरमाउंदे ने बड़ी कमाल की गल की तुलसीदास जी ने। आप जी फरमाउंदे ने जे पिछले चंगे जन्म के चंगे कर्म ना ना कीते होण, आप फरमाउंदे ने हरी जस सुनिया नहीं जा सकता। तुलसी पुरबले कर्म बिन हर जस सुनिया ना जाए, कह 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 नर पर ओ कह कर को उठ जा। गुरसाई जी कहते ने कि पूर्वले कर्म बिन पिछले जन्म के चंगे कर्म ना कीते होण, गुरसाई जी कहते ने कि हरी दा जस परमेश्वर दा जस सुनिया नहीं जा सकता। फिर अगे कहते ने कि जे कोई मंदभागी पुरश माड़े कर्मा वाला पुरश हरी जस विच आ भी जाए, कहते ने कै ऊंगा जां तां ऊंगी जाऊगा सोई जाऊगा, सारी रात रामलीला देखती रही, दिन चढ़िया गुआंढ नूं पुछदी भैणा राती रामलीला दा बड़ा आनंद आया, लगी कहण भैणा एक गल की समझ नहीं पई। वो कहती केड़ी? कहती है नहीं पता लगा भी जड़ी सीता थी रामचंद्र की भैन लगती सी कि उहदी बेबे लगती सी। तैं सुनिया क्या मंदभागी पुरश गुरसाई जी कहते ने जे हरी जस हरी कीर्तन विच आ भी जाए कह ऊंगा जां तां ऊंगी जाऊगा, कह लड़ परा जां नालदिआं नाल लड़ी जाऊगा, पैर परा कर गोडा परा कर, सारे लड़न वास्ते नहीं आते। कहते मेरे यार सुनना सुन नहीं दे जा अपने घर नूं कम कर, कहूंगा कल लड़ पर है जा मेरे लड़के घर नूं तुर जाएगा। गुरु लिखे ने जिन्ना दे लेख माड़े बच की बचारियां दे ओए तुरों, लिखे ने समय
कदे भी विचार कर ले ओ जेड़ी बीतनी सी ओ तां बीत गई है जेड़ी बीतनी सी ओ तां बीत गई है ओ रहिंदी रब दे नाम गुजार ले तू मर करना रब दे नाम च गुजार ले तू गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई नंद लाल आहा 52 कवियां दे मन्ने कवि सन गुरु जी दे हर मन प्यारे सन भाई साहब भाई नंद लाल जी इत्थे तक भाई नंद लाल जी ते कृपा जी एक बारी कह देना वाहिगुरु आहा एक दिन कहते भाई नंद लाल जी केतरी बाणा पा के वड्डी श्री साहब पढ़ के ना कलगियां वाले पातशाह दे चरणा विच पहुंचे आप जी ने मन विच ख्याल आया कि जेड़े सिंह मदाने जंग च जूझदे ने मन विच ख्याल आया कि शायद गुरु साहब की उन्होंने ज्यादा कृपा होंगी है गुरु जी उन्होंने ज्यादा खुश होंगे ने जदों भाई नंद लाल जी कलता जी आह जंगी शस्त्र बस्त्र ला के ते कलगियां वाले पातशाह दे चरणां च पुज्जे ते गुरु जी वेख के लगे कहिंदा नंद लाल आ की गल नंद लाल जी ने आख्या पातशाह कृपा करो कि मैनू भी हुक्म दिओ मैं भी जंग विच जावां गुरु जी लगे कहिंदा नंद लाल आ कादे लई आप जी ने बेनती की महाराज मेरा मैं अपने मन च विचारिया कि शायद आप जी की कृपा उन्हां ते याद आउंदी जिहड़े मैदाने जंग च जूझदे ने गुरु जी लगे कहना नंद लाला तैनू तलवार चकन की लोड़ है तेरी कलम तलवार का कम करेगी खालसा जी तो तैनू तलवार चकन की लोड़ है तेरी कलम तलवार का कम करेगी किन्नी खुशी थी एक दिन मन च सूक्ष्म जी होमे आ गई होमे करके जन्म मरन है होमे हाजत है होमे करन भाई नंद लाल जी के मन च सूक्ष्म जी होमे आ गई सतगुरु के मन भाई नहीं हजूर ने भाई नंद लाल जी जो हजूर द हर मन प्यारे सिख आप जी का शंका वेखो किहड़े तरीके ने निवृत्त किया कहो वाहगुरु हजूर ने भाई नंद लाल जी बुलाया इधर एक दिन सुख निधान माफ करना इधर दो चिकां हुक्म किया कि एक सुख निधान का ना कटोरा तैयार करके लियाओ जो सुख निधान का कटोरा लिया गया गुरु जी कहते नंद लाला वेखो ओदा किवें शंका निवृत्त कारण ने आखा नंद लाल जी इंज करो सुख निधान का कटोरा छक लो आख्या महाराज जिवें हजूर का हुक्म आवे एक घुट भरिया भाई नंद लाल जी ने खालसा की अगम ते निगम की सोझी हो गई कपाट खुल गए भाई नंद लाल जी गुरु साहब के चरणों में ढह पै आख्या गरीब नवाज मेरा गरीब नवाज मेरे मन में तो एवं ही होमे जाग पिटी कि तू बहुत वड्डा कवि है सच्चे पातशाह मैं तो तेरे चरणों की धूड़ भी नहीं बन सकता इना उच्चा जीवन इनी कृपा थी भाई नंद लाल वर्गे कि तमें कलगियां वाले पातशाह ने इसे भाई नंद लाल जी ने क्या थी आख्या नंद लाल कुछ मंग लै कहो वाहगुरु कहते हैं जी मां मर जाए ना बाणी तोकों की माता मत कहो वाहगुरु पिता संतोख जी मां मर जाए जा प्यो मर जा पांच या छे महीने तो बाद सबर आ जाऊगा पहली गल अजकल तो हफ्ते बाद ही सबर आ जाता है चंगा होया बुढ़ी चाले पा गई भाई एक बेड खाली होया कमरा भी खाली होया
पर कहते ने जिदी मां मर जाए जिदी मां मर जाए कल तो जी महीने दो महीने आते छे महीने बाद संतोख आ जाता है। खालसा जी जिदी मात रूपी मां मर गई ना खालसा जी ओनू फिर माफ करना खालसा जी ओदा की बनना कुछ भी नहीं बनना। यदि सेवा से खुश होकर किसी समय कलगियां वाले पातशाह ने आखिया जी नंद लाला कुछ मांग ला। भाई नंद लाल ने बेनती की पातशाह पहली गल से मैनू पूरा विश्वास आया फुल फेथ मैनू पूरा यकीन है गरीब नवाज आप जी का सिख हाँ कि मेरा भला तो हो ही जाना है। एक बार कह दो वाहगुरु अजकल जो एक बजुर्ग मर लगता ना कहता पुत एक ख्याल रखी मेरी मड़ी तक शराब की बोतल जरूर रख दी इतने तो मड़िया भी नहीं बनती इतने तो मैं पता लगा भी खालसा जी हुई बिजली ना फूक देंगे ने पर माफ करना खालसा जी मर लग्या कहता पुत मेरी मड़ी तक शराब की बोतल रख दी। दास ने एक बजुर्ग ने कहा बापू अमर चक के गुरु वाला बन जा कहता संत जी हूँ दंद ते मूह च नहीं रहा मुड़ अमृत छकिया की करूंगा मैं क्या बापू अमृत कित चबना पैंदा। माफ करना खालसा जी लगा कह संत जी हूं अगे जाके छक लांगे अगे। दास ने कहा बापू अगे धर्मराज को तो डांग वाले तो बैठे पर पंज प्यारे नहीं बैठे वो याद रखी। फिर पूछा दास ने बाबू एदा तो मीट खा लेना उन्हें कहता बाबा जी मुड़ मीट तो नहीं खाधा जाता एक कौल तरी का तो जरूर पी ली दे। दास ने कहा बाबा एक कौल तरी का तो तेरे संघे च लंघ सकता पर गुटू गुरु का मिठा मिठा अमृत ओदे वास्ते किते तेरे संघे च पुलिस वाले ने एक बैरियर खड़ा किया जेड़ा अमृत अगे नहीं जान दिंदा। आउना जरा जिन्हां सोझी है आख्या नंद लाला कुछ मंग लै भाई साहब ने आख्या गरीब नवाज मैनू पूरा विश्वास से यकीन है पहली गल तो मैनू अगला जन्म धार नहीं करना पैना आप जी कृपा ने मेरा भला हो जाना है। फिर गुरु जी ने आख्या नंद लाल जी कुछ मंग लो आख्या कलगियां वाले काल बड़ा बलवान है कहो वाहगुरु काल बड़ा बलवान है हो सकता कोई मेरा माड़ा कर्म जाग पै हो सकता कि मेरा माड़ा कर्म जाग पवे जां कि माड़े कर्म करके कलगियां वाले जे गुरु मैनू को जन्म धारण करना ही पै गया है पर सतगुरु पातशाह कृपा करे मैनू गुरु घर की सोझी जरूर बख्शियो मैनू गुरु घर की सोझी गुरु घर का ज्ञान बख्शियो। पर खालसा जी सानू सोझी नहीं कहो वाहगुरु सोझी नहीं सोझी कितू मिलती गुरुद्वारा हो सोझी पाए थी ए ना ते मिलनी सिनेमिया विचू ते ना मिलनी टीवी को सोझी मिलनी है ए मिलनी गुरु चरणा विचू। भाई नंद लाल जी आओ ना जरा एक घुट जद भरिया चुक नदान का ते गम नगम की सोझी होगी पाशा मैं ते एवें ही ओवें करता सी मेरा मन तो एवें उचल उचल के पैंदा सी कि तू बहुत वड्डा कवि है। दूजा घुट भरिया कहिंदा मारे बाणी हुण कहिंदा मारे कविता हुण मैं उच्चारण करदा कृपा करके आप लिखो। गुरु जी कहिंदे नंद लाला की लिखाउणा चाहुंदा प्रेम तुराही पीती इक दिन प्रेम तुराही पीती प्रेम तुराही पीती प्रेम तुराही पहली उम्र बनाही पीती
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
इंग्लैंड इंग्लैंड नूं आउण समें बाद इक्को गल कही जांदे ने सन खालसा जी, इक्को वचन करी जांदे संसार संघ जी। 1975 दी जनवरी दे दिन 9 माघ दा मेला, 9 माघ दी बरसी संत बाबा अतर सिंह रेरू साहिब वालियां दी, महापुरखां ने वचन कीता खालसा जी। अज कीर्तन दे शुरू विच ही बाबा जी लगे कहन गुरमुखो आउंदे सियाल दीआं रजाइआं दा निघ कोई मां दा पुत विरला ही माणूंगा। माघ दे विच वचन कीते, भादों दे विच महापुरख चले गए खालसा जी। रमजां हुंदीआं ने महापुरखां दीआं खालसा जी। आहा समय किसे दा लिहाज नहीं करता, रही जतन पो घट समय ने एक न मनी, रही वास्ते कट समय खटकाई कन्नी, ए बबो बदीहा तुरी जांदा ए अपने बनी। ओ जोबन हाथ आउंदा नहीं जो पत्रे बाज गया, ओ वक्त हाथ आउंदा नहीं जो हथू गुवाज गया। पानी दरियावां दे जो एक बारी वहगा ने ओ वास मुड़दे नहीं, ओ दाने कहगा ने खालसा जी। किसे किसे दे कर्मां दे विच फायदा अठौणा लिखिया खालसा जी। सतगुरु गुरु कलगीआं वाले पातशाह नजर पई इस मुसलमान फकीर दी कब्र ते, आख्या दया सिंह जी और सामने जो कब्र है ना इहदे विच जिहड़ा प्रेमी बैठा लोकां नूं जिहड़ा साडे पास बुलाओ। भाई साहब ने बेनती कीती कलगीआं वाले आ अपने विच जद कोई चादे पै जांदा है अपने मत विच उहदा संस्कार कीता जांदा है, इस्लामी मत विच जद कोई चादे पै जांदा गरीब नवाज उहनूं दफनाया जांदा है, सच्चे पातशाह कबर विच कौन होणा है? उह तां किसे मुसलमान फकीर दी कबर लगदी, लगदा उहदे मरीदां दे विच चढ़ाई करन तों बाद इत्थे दफनाया होवे। गुरु जी लगे कहन, दया सिंह जी बहुतियां गल्लां नहीं करी दियां, वचन मनीदा, सत वचन कह के ना भाई तो भाई दया सिंह जी इस मुसलमान वहमी बरमी ना दे फकीर दी कबर दे कोल पुजे ने खालसा जी। जो जूंदे जी कबर पट के कबर दे विच लुक के बैठा सी, भाई साहब ने की वेख्या कि कबर दे नाल एक 2.5 फुट उच्ची 2.5 फुट चौड़ी एक खिड़की लगी है, ते जिवें खिड़की दे अंदर कोई कुंडी ला के बैठा हो, भाई साहब ने खिड़की नूं खड़काउणा कीता अंदरों। ओ बरमी नां दा मुसलमान फकीर बोलिया, मुरदिआं नूं अमृत करके रख देण वाला, जीवन माफ करना। खालसा जी जे संत क्या करदे सन कि जे मरे दे मूंह विच भी अमृत पै गया खालसा जी उहदा भी भला हो जूगा। कहो वाहिगुरू। संत बाबा अतर सिंह मस्तूणे महापुरख एक बजुर्ग नूं कहंदा रे बाबा अमृत छक के गुरु वाला बन जा। महापुरखां ने बड़ा जोर लाउणा, इहने टाल मटोल करी जाणा खालसा जी। एक दिन संत लगे कहन चंगा बाबा फिर तेरी मर्जी है। बाबा जी सचखंड हजूर साहब की यात्रा चले गए खालसा जी। जदों सचखंड हजूर साहब की यात्रा करके वापस आए ना संगरूर, यह बजुर्ग एक दिन पहला चढ़ाई कर गया और जो दूजे दिन बजुर्ग जो चढ़ाई कर गया ना निगुरासी आहे नैन खाए मन दी कन्नी तुड़ींदा ओ मूंह गले। जदों लैण वास्ते मौत आई खालसा जी बड़ा भपीत होया, मन विच ख्याल आया महापुरख कहिंदे सन अमृत छागला अमृत नहीं छकिया। मरन समय वासना अमृत चली गई खालसा जी। अज दूजा दिन आ गया ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮਨ ਤੇ ਹੋਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਰਤ ਅਸੂੜੀ ਬੰਨ ਮਲਕਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ।
वेखो बंदा चलिया चौधरिया दे माफ करना जब मेरी चिखा बगारा कीती की त्यार गुरु प्यारे हो एदी चिखा नू गीठे नू आग दिती गई ना एदा संस्कार नहीं हुंदा कमाईया नहीं गल्लां ने खालसा जी महापुरख मस्तू आने वाले जिन्हां नू संत संपरदामा भी सदी दे अवतार मानदियां ने खालसा जी और जदों संस्कार नहीं हुंदा खालसा जी लकड़ा पावा के इत बजुर्ग दे लड़के थक गए वेख्या भी ताडे बजुर्ग नूं सेक तक नहीं लग रहा महापुरखां दे चरणां विच कट्टे होके गए पता लगा कि बाबा जी अजे सचखंड झूठ साहिब तों आए ने नमस्कार कीती जाके त्रिकाल त्रैदसी होए ने महापुरख त्रिकाल त्रैदसी उहनूं कहिंदे जो तिन्नां कालां दा ज्ञान होवे होए दा बीते दा आउण वाले दा बाबा जी लगे कहन प्रेमियो किवें आए हो इहनां आख्या बाबा जी साडा बजुर्ग चढ़ाई कर गया बाबा जी लकड़ां बड़ियां पाईआं ने उहदे ते शरीर नूं सेक भी नहीं पुजदा उह तां सड़ नहीं रिहा अंतरजामी महापुरख लगे कहन प्रेमियो ने सड़ना भी नहीं ओदी मरन लग्या वासना अमृत च रह गई अमृत च आहा ए बख्शिश कलगियां वाले ही कर गए ने मेरा बख्शिश सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कर गए ने इन्हें आख्या बाबा जी करो कृपा महापुरखा ने सिंह कीते ने त्यार खालसा की कमर कसे लाए ने मुरद घाट दे विच पहुंचे ने महापुरख बाबा तुसीं मस्त ने बाबा जी खालसा दी करके अमृता बाटा तैयार इधर हुक्म किया प्रेमियो ए करो बजुर्ग दोस्तों जिहड़ियां लकड़ां वगैरा पाईआं एक पासे करो जदों लकड़ां वगैरा उतारियां गईआं आह महापुरखां ने ऐस बजुर्ग का मूंह खोलिया रूह दसवें द्वार टिकी हुई सी माफ करना जदों खोल के मुंह ना अमर दे चुने लैके पाए दे मुंह च आख्या बाबा बोल वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह ओदी रूह बोल उठी बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह मुर्दियां नूं अमर करके रख देण वाला अमृत सुर नर मुनजन अमृत खोज दे तो अमृत गुरते एक महापुरखां दे जीवन च साखी आउंदी कि अपनी मां नूं कहिंदे रहे अमर छक लो असीं वी कहिंदे आ ते भैणां नूं कहीए बीबियां नूं कहीए मतावां नूं कहीए कई माइयां तां कहिंदियां नूं कोई नहीं मेरा घर वाला ही छक लूगा पर याद रखियो के नेड़े के दूर करमी आपो अपनी है के नेड़े बाबा जी मस्तू ने बाबा जी खालसा जी
बड़ा जोर लाया पर माता ने अमृत ना छकिया। कोई नहीं पुत, बड़ी जिंदगी पई है, अमृत छक लांगी। एक समा आया खालसा दी, कहिंदे महापुरखां दी माता बाबा जी नेड़े लगदे किसे पिंड च अमृत संचार करन गए ने। इधरों महापुरखां दी माता काल चलाना कर गई खालसा जी। सेवादार ने जाके आख्या, बाबा जी हजूर दे माता जी अकाल चलाना कर गए ने। संत कहने, प्रेमिया तुसी चलो असी आए, तू चल असी आए। खालसा जी माफ करना, अज कहने दूजा दिन आ गया है। मस्तू आने संगरूर की धरती से खालसा जी लखां बंदा ने कट होया, लखां बंदा ने कट होया। आ कई तो सोची बैठे ने कि असी बाणी पढ़ते हैं, कहो वाहगुरु धनता जोग है। कई कहते ने असी नाम जपते हैं, ये भी धनता जोग है। कहते ने एक बरूटे का दरख्त होंदा, एक बारी कह देना वाहगुरु, ओदे बीज नू सीधा बीज तो कदे नहीं उगदा। ओ बरूटे का बीज पता कदू उगदा, बरूटे दे बरूटे दे गोलां लगदियां ने, गोलां नू खांदे ने पंछी। ओ जिहड़ा पंछी गोलां खांदा ना, ओड़ा बरूटे का बीज है। जिहड़ियां गोलां पंछी ने खादियां होंदियां ने, ते पंछी जिथे जाके बिठ करदा बरूटे का बीज उत्थे उगदा। कहो वाहिगुरु, गुरु मंत्र नित ने बाणी ओही चीज है। पर खालसा जी जदू पंजां प्यारियां पासू अमर दी दात लैके, ओही बाणी ओही गुरमंत्र मूल मंत्र जदू पंजां प्यारियां दी पवित्र रसना तों निकल के खालसा जी साडे पेट विच प्रवेश करदा ना, जाके तां जाके नाम परिपूत होंदा जाके खालसा जी। खालसा जी उत्थे, खालसा जी माफ करना, खालसा जी नगुरे की कोई वैल्यू ही नहीं, नगुरे की कोई कीमत ही नहीं। एक ऐसा थमा है, माफ करना, मैं अर्ज कर रहा था खालसा जी अज दूजा दिन आ गया। मस्तू बाणा संगरूर की धरती के लखां बंदे ना कट होया, कट होना भी सुभाविक सी। जेड़े महापुरखा ने अपनी जिंदगी च 19 लाख बंदे नू अमर दी दात दे के गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़िया होवे, उन्हां दे स्थान दे कट होना भी सुभाविक गल सी खालसा जी। इधर कहिंदे ने महापुरखां दी माता दे पंज भौतिक शरीर दा ना इशनान करवा के खालसा दी बवान सजाया जा रहा है। जिवें अपना कोई बजुर्ग चढ़ाई कर जांदा है, आपां इशनान करा के जो माफ करना आरती सजाउंदे हां, चंगे कपड़े पा देंदे हैं, कफन पा देंदे हैं, झंडियां ला देंदे हैं, फुलां दी माला पा देंदे हैं, उहनूं बवान सजाना कहिंदे ने। इधर महापुरखां दी माता दे पंज भौतिक खालसा जी शरीर दा बवान सजाया जा रहा है। उधर दरगाह विच धर्मराजा महापुरखां दी माता दा सावकता वाज रहा है। धर्मराजे ने सावकता वाजदे वाजदे महापुरखां दी माता नूं कहना कीता, माता तू तो मेरे भी हिसाब किताब च लत मारती। धर्मराजा लगा कहन, माता तू तो मेरे भी हिसाब किताब च लत मारती। महापुरखां दी माता ने आखिया, ओ किवें? धर्मराजा लगा कहन, माता ना मैं तैनू नरक नूं भेजण जोगा, ना मैं तैनू सचखंड नूं भेजण जोगा। संतां दी माता ने आखिया, धर्मराज नरक नूं किवें नहीं, सचखंड नूं किवें नहीं? ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ ਸਤੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਹੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਬਲ ਸੇ। ਆਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਧਰਮਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਗੁਰੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ
ना मैं तेन नरक नू भेजन जोगा ना सचखंड नू भेजन जोगा। पर माता हुण गल इवें है भी अपने तौर ते ना मैं एक काम कर सकदा अपने तौर ते। संतां दी माता लगी कहना ओह किहड़ा धर्मराज ने आख्या माता अजे तेरे पंज भौतिक शरीर का संस्कार नहीं होया मैं तेरे दो दिन की जिंदगी दे सकदा अमर छक के आ जी। उत्थे पता लगना खालसा जी अमर छक के आ जी तेन सचखंड नूं भेज देंगा। कहिंदे ने कि महापुरखां की मां की रूह वापस आई। माता जी उठ के बह गए जिहड़ियां झंडियां झुंडियां लगियां सन उखड़ गईयां। सारी संगत हैरान हो गई भी आ की गल। संगत ने पूछा महापुरखां की माता नूं माता जी तुसीं तां कल अकाल चलाना कर गए जूंदे हो गए। संतां दी माता ने आख्या गुरु की संगते मैनू देवते लै गए धर्मराज दे पास उत्थे मेरे कर्मां दा हिसाब किताब होया। हिसाब किताब करदे करदे धर्मराज मैनू लगा कहन माता तू तां मेरे भी हिसाब किताब च लत्त मारती। मैं पूछया ओह किवें। मैनू धर्मराज लगा कहन माता ना तैनू नरक नूं भेजण जोगा ना ना सचखंड नूं भेजण जोगा। मैं पूछा नरक नूं किवें नहीं सचखंड नूं किवें नहीं। मैनू धर्मराज लगा कहन माता नरक नूं इस करके नहीं भेज सकदा तू एक ब्रह्म ज्ञानी संत की मां है। मैं पूछया सचखंड नूं। धर्मराज लगा कहन माता सचखंड नूं इस करके नहीं भेज सकदा तू निगुरी है ते अजे कलगियां वाले पातशाह दे खंडे बाट दा अमृत नहीं छकिया। मैनू सोचते सोचते धर्मराज ने आख्या माता ना तेनू नरक नूं भेजण जोगा ना तेनू सचखंड नूं भेजण जोगा पर अपने तौर ते एक काम कर सकदा तेनू दो दिन की जिंदगी दे सकदा। इंज करी माता अमर छक के आ जी तेनू सचखंड नूं भेज देंगा। संतां दी माता लगी कहन मैं तां अमर छकन वास्ते आई हूँ। खालसा जी इतिहास दसदा एक कौतक वेख के गुरु प्यारे उस दिन कहते ना मस्तु बाणा संगरूर की धरती से अमर का बाटा तैयार किया गया है। उस दिन कहते ना 20,000 बंदे ने अमर छकिया खालसा जी। पर 20,000 बंदे वास्ते एक कारां का प्रबंध होना यह खालसा जी कोई मामूली गल नहीं थी। कमाइया ने कमाइया वड़े महापुरख जिन्हां दी सिवते रसना कर ही नहीं सकती। अभी बड़े कौतुक देखने महापुरखां दे खालसा जी। आ इंग्लैंड वाले हो अभी कई बार कहते हैं पंजाब दीआं स्टेटां ते इंग्लैंड की कुलक्षणी धरती ने पंजाब का रब खोलिया खालसा जी। आह जदों महापुरख कीर्तन करते सन तरदा हिरदे शांत हो जाते सन चलते दरियावां दे पानी रुक जाते सन। खालसा जी इहो जे महापुरख किते बार बार आउंदे ने दुनिया ते नहीं आउंदे। मैं अर्ज कर रहा खालसा जी कोई प्रेमी आंदा बाबा जी मेरे को कछहरा नहीं। कोई आंदा बाबा जी मेरे को कृपाण नहीं। कोई आंदा बाबा जी मेरे को कंगा नहीं। कोई कहंदा कड़ा नहीं। इहदा मतलब इह ना समझ लेना कि ककार जरूरी नहीं। कहो वाहगुरू माफ करना ककार जरूरी ने। महापुरखां की कमाई सी संत मर लगे कड़ा अमर छक लो कछहरे घरे पाले जाके। कमाइया ने कमाइया कृपाना घरे पाले जाके। खालसा जी हुण 20,000 बंदे नूं अमर छकाउणा माफ करना खालसा जी समा लगना सी। पंज प्यारे अमर छका छका के थक गए। आख्या बाबा जी इत्थे अमर छकन वाले दीआं लैणां लगी होईआं ने। कमाइयां ने कमाइयां आह जिन्हां ने जीवन गुरबाणी के मुताबिक तोरिया जिन सेवया तिन पाया मान। पंजां प्यारे ने आख्या बाबा जी इत्थे अमर छकन वाले दीआं लैणां लगी होईआं ने। अगे खूहां की वाही होंदी सी संत मार बाबा तुस मस्तूने लगे कर प्रेमियों एंज करो अमर का बाटा खूज पा दो बलदा की जोड़ दो जोड़ी। संगत नूं आख्या महापुरखां ने ओ संत बाबा तुस मस्तूने संत
जिन्हां ने 19.5 लाख बंदे नूं अमर दी दात दे के गुरु ग्रंथ दे चरणां ने जोड़िया। इत्थे तां अज किसे दी घरवाली नहीं मनदी ते किसे दा घरवाला नहीं मनदा। खालसा जी माफ करना, महापुरखां ने बचन कीता गुरु नानक दी संगत पंज चले अमर दे नेत्रां च, पंज केतरां च, पंज मूंह च पाई जाओ, मारी जाओ ते नाले कही जाओ बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उस दिन 20,000 बंदे ने अमृत छकिया। खालसा जी जरा ध्यान देना, वह तो संतां दी मां सी वापस आ गई, सानू किन्ने वापस आउण देना, आउण देना सानू किसे ने वापस नहीं आउण देना। आना चली गए फिर लुधियाने नूं जरा मित्र प्यारे कहना हाल मरी लगे कहन दया सिंह जी बहुतियां गल्लां नहीं करी दी। अंज करो जो सामने कबर है जरा उस लुक के बैठा ना, उन्हें साढ़े पास बुलाओ। भाई साहब भाई दया सिंह जी सत बदन कह के अगे बदे ने कि वेख्या खालसा जी इस कबर के नाल एक 2.5 फुट उची 2.5 फुट चौड़ी एक खिड़की लगी हुई है। आप जी ने महसूस किया जिमें कबर के अंदर कोई खालसा जी खिड़की की माफ करना कुंडी लगा के बैठा हो। भाई साहब भाई दया सिंह ने खिड़की खड़काना किया, अंदरू बर्मी नां दा वहमी मुसलमान फकीर बोलिया आंदा कितने तू मौत से नहीं, क्योंकि मौत तू डर दे मारे लुक के बैठा सी। आंदा कितने तू मौत ते नहीं, ना ना मैं बाहर नहीं आना। भाई साहब ने आख्या प्रेमिया मैं मौत नहीं, मैं मौत नहीं, और तेरे को पिछले कर्म जागे ने, मैं कल की तरपाशाह का सेखा तेनू गुरु साहब ने बुलाया। मुसलमान फकीर कहंदा ना ना भाई साहब मैं बाहर नहीं आना, मैं तो मौत तो डरते मारे जूंदे जी आ कबर पट के कबर दे विच लुक के बैठा, मैं बाहर नहीं आना। भाई साहब ने बड़ा जोर लाया और मुसलमान फकीर बाहर नहीं आया। भाई साहब भाई दया सिंह जी कलगियां वाले पातशाह के चरणों में आए ने, आके बेनती की गरीब नवाज उत्थे ते इंज लगता जिवें कोई मौत तो डरदे मारे कोई मुसलमान फकीर जिउंदे दी कबर पट के कबर दे विच लुक के बैठा होया है। बड़ा जोर लाया कहना मैं बाहर नहीं आना, जे मैं बाहर आ गया ना जाने ना जाने कितने मौत मैनू फड़ के लै ही ना जावे। सर्व पातशाह लगे कहन लगे कहन दया सिंह चल फिर उस मुसलमान फकीर दा मौत दा डर दूर करिए खालसा जी। आह सर्व पातशाह अगे वधे ने, नीला इस मुसलमान फकीर दी कबर दे कोल खड़ा करता है। गुरु साहब ने आख्या आख्या दया सिंह खड़काउणा कर इस खिड़की नूं, कढ इस मुसलमान फकीर नूं बाहर। जदू भाई साहब भाई दया सिंह ने दोबारा खिड़की नूं कड़काउणा कीता, अंदरू मुसलमान फकीर बोलिया भाई साहब अपना काम करो जाके, क्यों मैनूं तंग करदे हो, मैं जो आख्या मैं बाहर नहीं आना, मौत तो डरदे मारे तो मैं जूंदे जी एक कबर पट के इहदे विच इहदे विच लुक के बैठा, जे मैं बाहर आ गया ना जाने कितने मौत मैनूं फड़ के ना लै जाए। माफ करना भाई साहब ने आख्या मूर्खा तेरे कर्म चंगे ने, तेरी कबर दे तो बाहर कलगियां वाले पातशाह नीले ते सवार होके बैठे ने, बाहर आ गुरु साहब दे दर्शन कर ला। ए मुसलमान फकीर फिर भी बाहर नहीं आया, गुरु साहब ने आवाज दी बाहर आ।
उन्होंने खिड़की तो खोली तो बाहर जो निकलिया ना कभी खब्बे देखता कभी सज्जे वेखता कभी अगे तो कभी पिछे तो कभी उतार वेखदा। गुरु जी कहते ने की वेख रहे हैं? कहता मैं वेख रहा कि मौत तो नहीं आ रही। गुरु जी ने आख्या वर्मी ओ वर्मी इत मौत का की कम इत मौत तो मेरे सिखा का पानी भरती खालसा जी। आख्या वर्मी बोल तेरा मौत का डर दूर करिए। इन्हें आख्या महाराज कृपा हो सकती? गुरु जी कहते क्यों नहीं, वचन मनना पवेगा। कहते कर्म चंगे सन, जिमें जज के घरे जन्म लैके कोई जज नहीं बन जाता, जिमें डॉक्टर के घरे कोई जन्म लैके डॉक्टर नहीं बन जाता, सगों किसे पढ़ाई की लोड़ है जज बनने वास्ते, डॉक्टर बनने वास्ते किसे खालसा की एजुकेशन की लोड़ है। इवें सिखा ने घरे जन्म लैके कोई सिख नहीं बन जाता, सगों सिख बनने वास्ते किसे रहत मर्यादा की लोड़ है खालसा जी। बोल बर्मी तेरा मौत का डर दूर करिए। कर्म चंगे सन खालसा जी। एक मुसलमान भरा जे अमर छक के पंजा कारा की रहत रखता रहत मर्यादा में आ जाए वह सिंह हो सकता। एक हिंदू भरा मुक्ति कर की खालसा की इतने गल जातां की नहीं, इतने तो अमलांब होने गए नबेड़े जात किसको पूछनी ना उसे अमूलांदे होने गए नबेड़े जात किसको पूछनी ना सकता। गुरु जी कह हो सकता वजन मनना पऊगा।
ਚੰਗੇ ਸੁਣ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਮੀ ਇੰਜ ਕਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਕ ਲੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਹਾ ਅਯੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸ ਬਰਮੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੰਜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ? ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਮਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਬਰਮੀ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ। ਅਜੂਰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਅਜਮੇਰ ਸਿਆ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਠਾਂ, ਕਣਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਸਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਦੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਬਰਮੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖਾ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਦਾ ਸਿੱਖ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਸਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਆਹਾ ਜਬ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਜਾਈ। ਬਰਮੀ ਨਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਅਮਰ ਛੱਕ ਕੇ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਣ ਜਾ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
जद कोई पराया हक ही नहीं खाऊगा। पराया हक खाना सिख वास्ते हिंदू भरा वास्ते, जिहों दा पराया हक खा लिया उहो जिहा गां दा मास खा लिया। मुसलमान भरा वास्ते जिहों दा पराया हक खा लिया उहो जिहा सूर दा मास खा लिया। अक पराया नानका ओ सूरस गाए, गुर पीर पी हम तापर जामरदार ना खाए। अजकल तो कहते ने अक पराया नानका ओले बह के चब अपना खा के गुआंढ़ियों का भी दब। ए खालसा नहीं है कहो वाहगुरु, ए मलेश पुणे की निशानी है। खालसा जिस दिन बन गया, पर बेटी को बेटी जाने पर इत्री को मात बखाने। अजे दी दृष्टि गुरु दे दर्शन करने वाली नहीं बनी कहो वाहगुरु, ए दी दृष्टि नहीं बनी, अजे कितने दृष्टि बनी है। अजे जे माफ करना, अजे दी दृष्टि गुरु दे दर्शन करने वाली बनी नहीं, लज्जमा ही नहीं बनी। एदी दृष्टि च बैठी की पराया, पराया चम बैठा चम। ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा नंद सिंह नानक सर वाले एक बचन क्या करते सुन, कह दो ना वाहगुरु। बाबा जी कहता हुंदा सी कि तीजा कदम पुट्टण दी लोड़ नहीं, कह दिओ वाहगुरु। बाबा जी कहते हुंदे सी कि एक पैर चमड़ी ते रख दे चमड़ी ते, आप समझ गए होने हो, एक पैर चमड़ी ते रख दे दूजा पैर दमड़ी ते रख दे दमड़ी ते। मेरे वर्गे दा तां गला ही तां खुलदा जदों तक रुपईए आउंदे ने, रुपईए आउणे बंद हो गए ते गला क्लोज। बाबा जी कहते हुंदे सन अक्सर, कहते हुंदे सन नानक सर वाले महापुरख क्या करदे सन, एक पैर चमड़ी ते रख दे दूजा पैर दमड़ी ते रख दे। बाबा जी कहते सुन तीजा पैर पुटन की लोड़ नहीं, अगे गुरु नानक साहब खड़े ने दर्शन कर लो खालसा जी। आहा, गुरु नानक के दर्शन कितने हो जाने, जुत्ते भी पौंड नजर आते ने। माया मनो नंबी साडा की बने, अजे तेरी नजर नहीं बनी। भजन करते करते तेरी निगाह तेरी नजर इनी उची चली जाए, तेनू पराई मां अपनी मां नजर आने लग, तेनू अपनी भैन पराई भैन तेनू अपनी सगी भैन नजर आने लग जाए। एवें नहीं बाबा दीप सिंह जी बिना सिर तू लड़े, एक बार कह दो ना वाहगुरु। कहते ने चंबा दे रियासत दे राजे की लड़की इनी खूबसूरत सी, जेड़ा उदी उदे उदे वल देखदा उदी सुंदरता करके मोया जांदा सी। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जिन्हां दा नां लिया रसना पवित्र हो जांदी, अज डेढ़ आने की बुढ़ी होंदी कहिंदी मेरे च बाबा दीप सिंह आ गया। सुती उठदी सवेरे 9 बजे, बाबा दीप सिंह आ गया है। आहा, बाबा दीप सिंह जी कपूत ने जेड़े तेरे जा गए, और ता अमर शहीद बाबा दीप सिंह कह दियो ना वाहगुरु। चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की दा डोला व्याह के राजपूत ले जा रहे ने खालसा दी, राजपूत रस्ते विच पठाना ने डोला खोलिया खालसा दी, चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की दा डोला राजपूता पास खोलिया। माफ करना, राजपूतां नूं मार मार के पधारता पठाना ने। आहा, ए चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की अपने गहने तोड़ तोड़ के छड्डी जांदी बावरियां, केस खंडार खंडार के रो रही थी धुत्तड़े मार मार के। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी मारदे पवित्र कन्नां विच आवाज पई, आख्या खालसा दी जंगल बड़ा भयानक है, कह दिओ वाहगुरु। आ किस अबला दे रोण दी आवाज आ रही है, आओ खालसा जी थोड़ा जा तुहानू निशहरे वाल नू लै चलीए, कहो वाहगुरु। एक गल सुनन वाली है खालसा दी, एक एक गल नू समझाउण लगे कई कई दलीलां देनियां पैंदियां ने।
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੰਗਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47,000 ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,000 ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀ, ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਨੰਗਮ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜਰਨੈਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਨੰਗਮ ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਠਾਣ ਘਰ ਆ ਸਣ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਵਰਕਾ ਪਾੜਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਰਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ 7 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਹੀ ਅੰਗ 'ਚ ਜਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਤ ਬਖਾਣੇ। ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਰਾਣੀ ਜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਚਰਨ ਤੋਂ ਗਰਾਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਏ ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਖਿਆ ਬੀਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਜੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਣੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬਾ ਮੰਗ, ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤੂਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੂੰ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੂੰ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਰ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਆਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਾਣ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਆਖਿਆ ਬੀਬਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ
आख्या तुहाडे वर्गा पुत्र चाहीदा। हरी सिंघल वा घोड़ी तू थले उतरिया। आख्या बीबा हरी सिंह नलवे वर्गा पुत्र, हरी सिंह वर्गा पुत्र हरी सिंह दी मां पैदा कर सकती है। कोई दुनिया दी होर मां हरी सिंह वर्गा पुत्र पैदा नहीं कर सकती। आख्या माता माता सिख मंगना इनू खाली नहीं मोड़ता। तू पुत्र मंगन वास्ते आई है, हरी सिंह तेनू वापस नहीं मोड़ूगा, पुत्र चाहिदा, मार चौंकड़ा। और जो चौंकड़ा मार के बह गई हरी सिंह दी गोदी च बह गया। आख्या मां हरी सिंह नू अपना पुत्र समझ ला। ओदियां तहां निकल गईयां, ओदियां कुकां निकल गईयां। जाके अपने पति नू आख्या मूर्ख पति देव फौजां वापस मोड़ लै। जेड़े महाराजा रणजीत सिंह दे जरनैल दा इतना उच्चा करैक्टर है, वरका पाड़ दे कि मैं उहदे ते फतेह पा जांगा। खालसा जी इहो जे सिंह सन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी। आओ चलिए जरा। आख्या चंगो जंगल बड़ा भयानक है, ठंगना है। एक अमला दे रोण दी आवाज आ रही है। पर नारी सो निहो लगावै, गोबिंद सिंह ओ सिख नहीं पावै। कलगियां वाले पातशाह कहंदे ओ सिख मैनू चंगा नहीं लगता, ओ सिख मैनू भौंदा नहीं। बाबा जी अगे वधे ने, आहा की वेख्या एक जवानी उम्र विच अबला। आहा दुहत्थड़े मारदी जा रही है, केस खिंड रहे ने कुछ दुष्ट। इहनू जबरदस्ती लिजाण दी कोशिश कर रहे ने। अमर शहीद बाबा दीप सिंह ने बोलिया जंकारा, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। पाया खंडे दी मुट्ठी नू हाथ, खिजिया म्यान दे विचों खंडा खालता जी। इन्हां पठाणा दे उत्ते टुट पैने, दो चार दे दित्ते ने झटका। बाकी जांदियां नू राह ना लब्भा। आहा आख्या बेटी कौन है तू, बेटी कौन है तू। चल मैं तेनू तेरे घर तक पहुंचावा। चंबा ते रियास दे राजे दी लड़की ने आख्या, बाबा जी बड़ी वड्डी गलती कीती मेरे पिता ने, जो मैनू कार एक राजपूत दे लड़ लाता है। जेड़ा मेरी इज्जत नहीं बचा सकिया वो मेरा पति कहदा है। बाबा जी किन्नी चंगी गल होंदी जेकर मेरा पिता मैनू एक सिख दे लड़ ला दिंदा। बाबा जी नू लगी कहन, बाबा जी मैनू अपनी दासी बना के रखो, अपनी गोली बना के रखो। बाबा जी ने आख्या बेटी की बदन कर रही है, दुनियावी रिश्ता करके भावे तू चंबा दे रियास दे राजे दी लड़की है, पर धर्म दा रिश्ता करके तू मैनू अपनी सक्की मां नालो, सक्की भैन नालो, सक्की बेटी नालो वध है। खालसा जी ओदू एहो जे सिख होणगे जदू रोज पढ़दे आ राज करेगा खालसा ते आकी रहे ना। ओदू कोई पराया हक नहीं खाऊगा, ओदू कोई झूठ नहीं बोलूगा। आओ खालसा जी ओदू सिख भी एहो जे होणगे सरबत दा भला मंगण वाले। नानक नाम चढ़दी कला ते तेरे भाणे, ओ एहो जे सिख होणगे साडे वर्गे नहीं होणगे खालसा जी। अगर सौप मचोर हा अगर जियो नवे जिनकी लेकर पक पवा वो चंगे सही। पाप गुरु प्यारे हुण समा आग्या नहीं दिंदा, इन्ने एक शब्द प्रवान करो। वध तो वध संगता अमर छक के गुरु के जहाजे चढ़ो। गुरु प्यारियो समा हत्थों निकल जाना है, इस समय नूं हत्थों ने जान दो। हुण सारी संगत गज वज के गुरु स्तोत्र च बोलन दी खेचला करो। तनह 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 गुरु नानक साहब तनह। Thank you.
समा आग्या नहीं दिंदा। दो तीन दिन का प्रोग्राम इस गुरुद्वारा साहब का होर है, इस समय नूं हत्थों ना जान दो। गुरु प्यारे वातवर संगत अमृत छको, एक बारी पता तो लग जाए खालसा जी भी वाकया ही खालसा जी इंग्लैंड दे विच अमर संचार होया। पर मेरी गल सुन लो, जे इन्ना सुन के भी किसी ने अमृत ना ना छकया वो छक भी नहीं सकता। माफ करना, इन्ना सुन के भी जे कोई अमृत ना छके गुरु वाला ना बने फिर वो सत्संग जी इन्ना सुन के कल नूं मर के तां तुसीं जाना ही, आपां भी जाना, असीं कड़ा इत्थे बैठे रहना। कल नूं फिर धर्मराज ने तां पुछना ही है ना भी की गल अमृत क्यों नहीं छकया। जे असीं उत्थे जा के कहीए भी सानूं पता नहीं लग्या, बोलदे नहीं मुकर जाएंगे। उन्हें कहना यह दसो भी तुसीं भेवे वाले दा कीर्तन सुनिया ही, बोलदे नहीं। इन्नी गल तां पुछूगा जरूर, हाँ दसो भी वो भेवे वाले आए थी राड़े वालिया के कुत्ते, राड़े वाले के कुत्ते आए थी भेवे वाले, वो भौंकते फिरते थी थान थान से, हाँ कूकर तो दरबार, हाँ भी वो थोड़े उत्ते इंग्लैंड आए सी। फिर आप जो कही भी नहीं आए मुकर जाएंगे, आए तो है सी जी की तो सुने सुनिया है जी, हाँ। तो फिर उन्हें धर्मराज ने कहना इन्ना सुन के भी तेनों पता नहीं लगा भी अमर छकना ही, हैं। सो सत्संग जी किधरे एवें भुलेखे तना मारे जायो, अगे किसी ने बाणी पढ़नी रोज़ पढ़ के तुर जाने उत्थे तां करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। सस एवें जिंदगी गवा के ना फिर पछतावना, पछतावे तू बगैर साढ़े कोल हैं सत्संग कुछ नहीं रह जाना, फिर साडा बनना कुछ नहीं। समा थोड़ा ज़्यादा लग जाता, यदी मैं थोड़े को माफ़ी मंगदा। खालसा जी इत्थे तो दो ही घंटे लगते ने, पंजाब दियां स्टेजां ते 8 बजे के कीर्तन दे बैठे कई कई वारी तां दो दो भी बज जांदे ने। ओह संगतां नहीं चाहुंदियां कि साडे ना आ संत तां मैनूं कहण लगे अपने आप नूं शर्मी आउंदी है भी साडे ये संत बाहरले मुल्कां च जाण। हुण वी सत्संग जी जदों असीं आए आउणा सी सानूं लगे कण संत जी किन्ने कु रुपये चाहीदे ने, असीं इकट्ठे कर दिंदे आ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਦਸ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਉਦੈਪੁਰ, ਬੜੌਦਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, 3-4 ਬਚਨ ਸੀਗੇ, ਮੰਗੀ ਨਾ ਆਇਆ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਹੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਾਜੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਦੇ? ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਬੇ ਸਿੰਘੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ? ਬੋਲਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁਣ ਭਰਵੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਕੁਟਵਾਏ ਭਰਵੱਟੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਵੱਟੇ, ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਾਹੇ ਖੱਟੇ, ਹੈਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੋ
मेरी ओ भैनो मैं आप जी नूं बेनती कर रहा है, अर्थ तो नाई निकलते ने कहो वाहेगुरु है, ब्यूटी पार्लर के केड़ा पार्लर बनाया है ना, अर्थ ओदा भी नाई निकलता है, है? पर माफ करना गुरु किसी जो ऊ कोई बुढ़ी कहे भी मैं चली हाँ नाई की दुकान से परवटे बनाने गल कोई चाहती ही नहीं है, की गल है, फर्क तो ना आता ही है ओदा भी अर्थ नाई भी केस कटदा ब्यूटी पार्लर वाले वह कहे माफ करना खालसा जी केस नहीं कटते, पर खालसा जी तेरा खास खालसा होवे खास होवे हाथ खंडा पैर काबुते हाथी लिख बतावा दे जाए तेनू आखिर मिलू खदराने की ढाब उत्ते साध संग जी सच करके जाने जे भेड़ की उन्न लाई है ना टपती है चार बंदे लत्त बड़िया होंगे ने टपती है आप देख लो वीरो किन्ने सील जे बड़ के बैठे होंने नाई की दुकान से वह भी शर्म महसूस करती है लै करती नहीं है बोलते नहीं टपती नहीं देखी तुम फिर ओदी लत्थी उन दे स्वैटर कोटियां बन जांदे ने साडी लत्थी दाड़ी नाइयां दी दुकानां अगे गंदियां नालियां च रुलदी पर असीं कहिंदे आ दसवें पातशाह दे सिख हालत हो गई अजे भी कोई कसर है किते आ गुबड़ा जा रहा थी सैकल ते बार चती पई है वह सैकल की किते ब्रेक ना लगी सैकल बजी जाके एक बुढ़ी दे गोडिया ते है माई वेख कहिंदी बाबा बाबा शर्म करता ब्रेक माफ करना ब्रेक नहीं मारी बाबा कहिंदा सैकल बज गया ब्रेक की कसर रह के ते कहिंदी माफ करना कहिंदी बाबा जे ब्रेक नहीं थी बज टल्ली मार देंदा तेरे मूँह ते दाड़ा कहिंदा बाबा कहिंदा कहिंदा बीबी है दाड़ा को टल्ली थोड़ी है माफ करना कहिंदा सैकल ही बज गई कितने सैकल की कसर है है सारी दाड़ी सुर मना के भी कहने दसवें पातशाह दे सिख होने सिखी की निशानी जे नहीं है सिखी की निशानी तो रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहब मैं उसका चेहरा सारे अमृत छको गुरु वाले बनो गुरु चरणा ना जुड़ो नौजवानों वीरो तुहाड़ियां रगां विच कलगी तर दा खून काम कर रहा है तुसी गुरु के सिख हो माफ कर रहा तुसी कलगी धर दे पुत्र हो तुसी कलगी धर दियां बीबो बीबियां बेटियां हो ते माफ करना ओ बड़ी कमाल दी गल लिखी कई वारी जाईदा पंजाब च तुसी देख के आना कि ट्रकां वाले ने पिछे लगे अपनी औकात नूं मत भुलो कदी ना भुलो अपना विरसा खालसा जी अपने बापू दे प्यार नूं ना भुलीए वासी असी आनंदपुर दे पिता साडे कलगी धर माता साडी साहिब कौर ते कलगी धर दे पुत्र होईए ते फिर आपां कराए जाइए ये गल आपां नूं सोभदी नहीं है हुण अरदास सोभेगी अगली गल कल नूं करांगे तू दसा पातशाह जो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे
पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारे चौहान साहिबजादे चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अटट कीता तिना प्यारे सचियारां दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लवाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां सिखी केसां सुआसन निभाई धर्म निहारिया तिना दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जां जां खालसा जी साहिब तहां तहां रखिया राज देख तेग फतेह बिरद की पैर पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान भरोसा दान विवेक दान विसा दान दाना सिद्धान नाम दान श्री अमृतसर जी के इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी बोलो जी बोलो जी खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल का दान खालसा जी नूं बख्शो निमाणिया के मान नेताणिया के तान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन हजूर अरदास बेनती है आप जी दी प्रेरणा सदका बख्शिश द्वारा शामा दे दरबार सजे सजे दरबार अंदर पवित्र बाणी दे शब्द कीर्तन गायन होए कथा होए गुरमत विचारां होईयां कथा दा प्रभाव शब्द कीर्तन दा प्रभाव दारियां सिख संगतां नूं बख्शिश करना जी भुल्लां माफ करनियां अगो इत्थे सहाय होणा दरकार दे सेवक बरखरदार हरजिंदर सिंह जी इम्तिहान विच पास होण दी खुशी विच देख दी सेवा कीती है सेवा कबूल करनी विद्या दा दान बख्शिश करना चढ़दी कला दा जीवन बख्शिश करना जी होर सिख संगतां वल्लों जिन्हां दे नाम आप जाणी जाण हो कड़ा प्रसादी दी वास्ते माया अरदास होई है सब परिवारां दीआं प्रेमियां दीआं शुभ मनोकामना पूरियां करनियां परिवारां च सुख शांति बख्शिश करनी बच्चियां दे सिर ते मेहरां दा हथ रखणा जी गुरसिखी जीवन प्रदान करना सिख संगतां वल्लों अमृत दी कड़ा प्रसाद दी हाजर है दर प्रवान होवी प्रवान होया प्रसाद साध संगत को वरते जो शके पवित्र नाम जपे जिथे जिथे गुरु घर के अंदर सेवादारा ने सेवा कीती है सब दी सेवा थाए पाणी चढ़दी कला दा जीवन बख्शिश करना जी तिल फुल पिटावा कबूल करो गुरु ग्रंथ अते पंथ नाल सदा सिख संगतां दी बणे आवे वर्तमान समय अंदर पंथ विच एकता पंथ विच प्यार पंथ नूं चढ़दी कला बख्शो खालसा जी दे अंग संग सहाय होवो कृपा करके हुक्म नामे बख्श के सिख संगतां नूं निहाल 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 करो जो जी आप जदारे आवे सुरा जी ते प्रसन्न जाए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा आग्या भई अकाल के तभी चलायो सबसे कन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो मिल हो चाहे भोज शब्द राज करे का खालसा वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहेगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे जो श्रद्धा कर से हुंदे गुर पार उतारन जो श्रद्धा कर से हुंदे गुर पार उतारन Thank you.
वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कन राखे मेरी। तर जी अरे एक टेक तो लाहे बडानी आस, नानक नाम ते आईए कर जे आवे रास। तनासरी महला पंजवा औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले हाथ दे रख अपने को, सास सास प्रत पाले औखे घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले हाथ दे रख अपने को, सास सास प्रत पाले। प्रभ से उंडा करे हो मेरा चीत, आदि अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत रहो। मन बिलास भय साहिब के, अचरज अचरज देख बढ़ाए, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। मन बिलास पाए साहिब के, आचार्य देख बढ़ाए, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। गुरु रूप खालसा साहब संगत जी, आओ गाज बाज के फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने महान कृपा की है, सारिया संगतां ने गुरु दरबार दी हाजरियां भरदिया होया गुरमुख विचारां का आनंद माणिया है। दास प्रबंध वालों संगतां वालों बाबा जी का हार्दिक धन्यवादी है, जिन्हां ने शब्द द्वारा गुरमुन द्वारा अमृत की महान दात की व्याख्या की है। सो सतगुरु कृपा करन ते बचन साढ़े हिरदिया में वसन, असी गुरु वाले बनीए। जेडे अजे तक गुरु वाले नहीं बने, जिन्होंने अमृत छकया है, साढ़े भी जीवन चढ़ती कला वाले होन। सो साध संगत आप सारी संगत का भी दास प्रबंध वालों बहुत बहुत धन्यवादी है। गर्मी के बावजूद अते होर बैठने आदि दियां कई कठिनाइया हैं, इसके बावजूद भी आप जिस प्यार नाल आउंदे हो, जिस भावना ते श्रद्धा नाल गुरु दरबार में हाजरियां भरदिया होया गुरु जस सुनदिया होया घर जाते हो, तो कभी सतगुरु की कृपा द्वारा कोई समस्या नहीं आई। ये भी आप जी की भावना का सारिया की भावना का सदका ही है। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी वड्याई ते महान कृपा है। सो सतगुरु कृपा कर गुरु दरबार की महिमा इस ही तरह बनी रहे। सो बेनती है जिन्हें जिन्हें गुरु प्यारिया ने मन बना लिया है अमृत छकन का, वो अपने नाम अमृत छकन वास्ते खालसा जी बार सिंह लिख रहे हैं, उन्होंने लिखवाण ता कि पता लग जाए। पिछली बारी विसाखी से अमृत संचार होया, उस वक्त नाम तो 25-30 हज़ार ने दिते थे, जो अमृत छकाउण लगे तो फिर 100 के लगभग हो गया। सो इस बार वास्ते बेनती है कि पहला ही नाम ना दे दो, तो पहला ही नावों के हिसाब न संगतों के हिसाब न प्रबंध किया जाए। सो बाबा जी बचन सुना रहे सन, महापुरुष ब्रह्म ग्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूवाणी वाल। सो ब्रह्म ग्ञानी की गत ब्रह्म ग्ञानी जाने, सो ब्रह्म ग्ञानी आप निरंकार, जिहड़ा निरंकार हो गया उहदी मर्यादा उहदी गति नूं निरंकार वाहिगुरु सच्चे पातशाह ही जानता है।
ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਹਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਢੋ ਮੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਰੱਬੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪ ਵੀ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿੱਧ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਮ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸੌ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਥਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਰੱਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ, ਸਾਰਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਕਤ 7:45 ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇਗਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ
ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੰਮ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਚੰਡਾਹੀ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਜਨਮ ਕੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾ ਰਾ ਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਪਦਾ ਦੇ ਤਹ ਨਾਮ ਇਸ ਮੰਡਾ ਰਾ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਮਨ ਤੇ ਸੇ ਸੇ ਕਾਲ ਸੇ ਕਰ ਦੇ ਵੇਦਾ ਮੀਹਾ ਖਾ ਚਲੋ ਆ ਲਾ ਆਪੇ ਬਸ ਇਸ ਵੇਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਸੁਰ ਨਾਰ ਜੋ ਮੇ ਪਾਸ ਵਾਲ ਰਹਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸਤ ਗਾਏ ਕੀਆ ਬਈ ਰਸ ਪਤਨ ਗੰਜਾਨੀ ਜਾਪੋ ਆਏ ਸੋ ਜਹਾ ਜੋ ਅਬੂ ਤਮਨ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਉ ਸੋ ਸਹਿਜ ਕੋ ਨਹੁ ਕੋ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਪ ਤੇ ਸਭ ਦਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋ ਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸੇ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਸੁਧ ਆਗ ਕਰ ਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਕੀਓ ਕੰਦ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ
साहब जी अठवें पातशाह गुरु गरीब नवाज जी का पवित्र अवतार पुरब है जो अखंड पाठ साहब कल के रोज तो रखे हुए हैं। श्री अखंड पाठ साहब के भोग सवेरे 7 बजे कथा तो उपरंत पैणगे। सो सारिया संगतों के चरणों में बेनती है कि हुम हुमा के सवेरे गुरु घर विखे पुजो, गुरु दरबार दी हाजरियां भर के सतगुरु सच्चे पातशाह की खुशियां प्राप्त करो। उपरंत सारा दिन कीर्तन होणगे और गुरु साहब के जीवन बारे गुरु प्यारे चानना पाउणगे। हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करो। सवेरे 7 बजे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पैणगे। किसे माता का परस है